ओके अभी कोई और भी आ रहा है, लेट्स लेट हिम जॉइन। ओके ओके तो मैं बात कर रहा था कि आपका जो वाइवा होगा, जो आपके ग्रुप्स आप मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, और अगर दो या तीन लोग उस ग्रुप पे काम करें तो तीनों लोगों का एक ही वक्त में वाइवा होगा और उसी दिन मैं मार्क्स वो जो है LMS पे सबमिट कर दूंगा, और आप अगर पूछना चाहेंगे तो आपको बता भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक लाइव किस्म की परफॉर्मेंस ही है बेसिकली, और वैसे इन अदर केस भी लाइव ही होती। आपको पहले 5 या 10 मिनट, मोस्ट प्रोबेबली 10 मिनट्स मैं दूंगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, उसमें मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा, ठीक है। आप में से कोई एक बंदा मेन स्पीकर होना चाहता है उसमें अपने प्रोजेक्ट को जो समझता है मैं अपने वेल रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, या अगर दो लोग हैं तो दोनों 5-5 मिनट लेना चाहते हैं, तो मैक्सिमम टाइम 10 मिनट्स होगा, ठीक है। और उसमें यह कि अगर दो लोग हैं तो वो 5-5 मिनट ले लें ताकि वो अपने अल्फाज में, ताकि सबको मौका भी मिल सके, और अगर एक ही बंदा रिप्रेजेंट करना चाहता है वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए आपके पास 10 मिनट्स होंगे इन द स्टार्ट, ठीक है। आप लोग प्रेजेंट करेंगे कि आपने क्या काम किया है, जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसकी आउटकम क्या है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या हो सकते हैं आपको, आपने क्या लर्न किया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आपने इसमें सीखा क्या है, ठीक है। तो ये चंद एक चीज़ें जो हैं जो अपने माइंड में रखें प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि हो सकता है ये सब हम पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तो सम अप या उसको नहीं खंगाल सकते कि यार आपने क्या लिखा है उसमें, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ वाइवा, उस वाइवा से पहले आप मुझे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर चुके होंगे थ्रू ईमेल, ठीक है, और मेक श्योर कि जब आप मुझे वो सबमिट करें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आपके जो दूसरे ग्रुप मेंबर हैं उनको भी CC में रखें, ताकि सबको इक्वली इन्फॉर्म हो कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफिशियली सबमिट करवा दी है, और वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड भी बन जाएगा कि आप लोगों ने ऑफिशियल तीन लोगों का या दो लोगों का प्रोजेक्ट था तो उन लोगों ने इकट्ठे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करवाई है, ऑल दो ईमेल एक ही बंदा करेगा। सो एक तो बात ये कि आपको 10 मिनट दिए जाएंगे प्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद आपसे जेनेरिक क्वेश्चन होंगे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड और जो जिस एरिया में आप काम कर रहे थे उससे रिलेटेड, क्योंकि ये 120 मार्क्स का है तो इसमें एवेल्यूएशन इसी तरह हो सकती है। वाइवा इज ऑल अबाउट कि आपने उस एरिया में क्या काम किया, क्या लर्न किया, ठीक है। कुछ हिंट्स दे देता हूँ वैसे ही फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं प्रिपरेशन, कि आपने प्रिपेयर करना होगा। तो जैसे कि किसी ने इन सिलिको एनालिसिस किया है या जीनोम वाइड एनालिसिस किया है या कंपैरेटिव स्टडी की है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया है, तो आपको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की बेसिक्स पता होने चाहिए, जो टर्म्स आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उन टूल्स की के पीछे एटलीस्ट जो एल्गोरिथम चल रहा है, मैं उस एल्गोरिथम को की डिटेल नहीं मांगूंगा, लेकिन एटलीस्ट उसकी बेसिक पता होने चाहिए कि वो होमोलॉजी बेस्ड मॉडलिंग है, कौन सा एल्गोरिथम उस टूल के पीछे काम कर रहा है, उसके क्या किस तरह से वो बेहतर था बाकी टूल्स जो उस तरह के थे उससे। तो इस किस्म के सवाल होंगे, इसका फ़ायदा ये है कि आपको मज़ीद जानने का, एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है, और आप जो अपनी जो लोग अपनी फाइनलाइज कर रहे हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्या कहते हैं उसको मज़ीद फर्निश करने का भी मौका मिलेगा। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सवाल मैं लाजमी पूछूंगा हर किसी से, टाइमलाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। टाइमलाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट का मतलब है कि आपने इंट्रोडक्शन कब सबमिट करवाया था मुझे थ्रू ईमेल या वर्बली, जिन लोगों ने मुझे जब लॉकडाउन से पहले मुझे जिन्होंने चेक करवाया था मैं उनपे सिग्नेचर करता जा रहा था और डेट के साथ, और बहुत सारे लोग बाद में मुझे ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करते रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए
तो ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेशन जारी है। ईमेल वाला रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है सबका, किसने मुझसे कितना कॉन्टेक्ट किया, किसने मुझे गाइडेंस लेने के लिए और अपनी अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए क्या किया, तो उसका इम्पैक्ट बहरहाल होगा, ऑब्वियस ही बात है। एक स्टूडेंट जो शुरू दिन से मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है और चीज़ों को लेके चल रहा है, उसको डेफिनेट सी बात है थोड़े से उसका उसको इजाफी नंबर मिलेंगे, उसकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। सो एनीवेज, सेकेंडली ये कि वाइवा इज मोर इम्पोर्टेंट, आपने जो काम किया है उसकी आप अंडरस्टैंडिंग भी है या जस्ट आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में जस्ट कॉपी पेस्ट किया और मुझे बहुत सारे मरतबा यही कॉमेंट देना पड़ा है कि आपने जो कॉपी पेस्ट किया है उसकी फॉर्मेटिंग एटलीस्ट जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसके मुताबिक करो। फॉर्मेट एक रखो, टेक्स्ट का फॉर्मेट, फॉन्ट साइज, हेडिंग साइज वो एक रखो और हाइपरलिंक्स रिमूव करो। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स देने पड़े जब भी मेरे पास कोई चैप्टर आता था किसी का या रिपोर्ट आती थी चेकिंग के लिए। सो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आप जहन में रखें और इन अभी मेरे जहन में जो मैंने जो खाका बनाया है और ये बड़ा जनरल सा खाका है, मैंने स्पेसिफिक डिटेल्स भी बता दी हैं कि इन लाइन्स पे आपकी वैल्यूएशन होगी। सो अब आपके माइंड में अगर कोई सवाल है तो यू कैन, हाँ एक बात और, ये प्रोसेस मैं स्टार्ट करूँगा 12 से ऑनवर्ड, क्योंकि हमें ये प्रोसेस कंप्लीट करना है आपके फाइनल एग्जाम से पहले, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सेमिनार्स और उनके मार्क्स लग चुके हैं, जो सेमिनार्स या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स या ऐसी कोई चीज़ें थी उनके वाइवाज हो चुके हैं। सो हम अभी उसको जो कर रहे हैं, अभी हमारा जो कि मिट होना है 12th से ऑनवर्ड। सो बेसिकली बात सिर्फ ये है कि 12th से ऑनवर्ड आप जो जो मुझे सबमिट करवाता जाएगा 12th से ऑनवर्ड, वो मुझे मैं उसका वाइवा लेता जाऊँगा। अगर कोई मुझे सबमिट नहीं करवाएगा तो मैं फोर्सफुली उसको स्केड्यूल कर दूंगा वाइवे को, जिस तरह मेरे पास ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि ये डेट है आपकी और इस डेट को आपके ग्रुप की ये टाइमिंग में आप लोगों ने ऑनलाइन होना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उस टाइम में तीनों अवेलेबल हों और ऑनलाइन हों, ठीक है। ये मस्ट चीज़ है। यूनिवर्सिटी ने आज बड़ी स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी बताई है कि एग्ज़ाम के ये चाहे मिड या फाइनल या जो भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही है सब कुछ, तो इसमें टॉलरेंस कोई नहीं होगी इस चीज़ के मामले में कि मेरे पास इंटरनेट नहीं था, ठीक है। आप लोग जिस जैसे कैसे भी है, क्योंकि आप सबके पास मोबाइल्स हैं, डेटा कनेक्शंस हैं, इंटरनेट लैपटॉप्स हैं, सो यू मस्ट मेक श्योर कि इन आइदर केस आपके पास उस दिन कम अज़ कम इंटरनेट अरेंज हो, ठीक है, उस वक्त के लिए, चाहे एक, क्योंकि वाइवा कितना लंबा हो सकता है, एक घंटे का मैक्सिमम। सो उस वक्त के लिए आपके पास कम अज़ कम आपके पास इंटरनेट अरेंज हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके जो है ना एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि ये एग्ज़ाम है आपका। सो अच्छा, अब कुछ अगर लोगों के क्वेश्चन हैं, अगर आपने वन टू वन क्वेश्चन कोई पूछने तो आप बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें जो सबको बेनिफिट दे सकें, जो जनरल क्वेरीज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, पूछना था यार, सेब अपना माइक सही तरह ऑन करो, आवाज नहीं आ रही। जी सर। जी जी बताएं। अब सर पूछना था कि आपने अकेले ने लेना है या आपके साथ मैम सुमेरा भी होंगी? नहीं, मैडम सुमेरा के पास और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं ये अकेला ही हूँ इसका वाइवा। और दूसरा सर, एक्चुअली ना प्रोजेक्ट वगैरह पर ना अभी भी कुछ स्टूडेंट का ना लास्ट पे ही है, कंप्लीशन के करीब है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ऐसे कह सकते हैं,
ना फिर भी ना आपकी गाइडेंस के लिए अभी भी आपके साथ ईमेल के जरिए कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। देखिए अब उसको बस फिनिशिंग टच दो, मुझे नहीं पता अब आप, क्योंकि मुझसे मुझे तो जो ईमेल करते हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। जी सर, ठीक है, जिन लोगों ने भी मुझे ईमेल किया है मैंने उनको नेक्स्ट डे अमूमन एक या दो दिन के फर्क से मैंने उनको रिस्पॉन्स जरूर दिया है और उन्होंने उसको करेक्ट भी किया। सो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे ख्याल में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं किया मुझे एक बार भी, और मुझे नहीं पता कि उनकी प्रोग्रेस क्या है, और अगर वो अपनी प्रोग्रेस नहीं शो करना चाहते या रिजल्ट नहीं जमा करवाना, डेडलाइन तक जो है वो नहीं सबमिट करवाना चाहते, तो मैं उनके उनको फेल करके वो मुझे रिजल्ट भेजना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कुछ डेडलाइंस हैं जिनको हमने मीट करना होता है, उसके बाद रिजल्ट जमा ही नहीं हो सकता। जी सर, सो उससे पहले मुझे वैल्यूएशन करनी है। अब आपके पास दो वेज हैं, या तो आप लोग खुद मुझे बता दो कि आप लोगों ने किस दिन, सिर्फ मुझे बता दो कि किस दिन आप लोगों मुझे रिपोर्ट या वाइवा आप देना चाहते हो, ठीक है, ताकि मैं उस दिन yes. अपने आपको टाइम एलोकेट कर दूं। हो सकता है एक ही दिन में मल्टीपल वाइवाज हो रहे हो, सो बेसिकली आप लोगों मुझे, वरना मैं अगर किसी दिन में कोई भी नहीं आ रहा हुआ तो मैं फोर्सफुली एक ग्रुप को कहूंगा कि इस दिन आपका वाइवा है, आप लोग अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनलाइज करें और सबमिट करवाएं, चाहे जितना भी काम हुआ है, सारे ऑब्जेक्टिव समटाइम्स नहीं भी अचीव हो रहे होते, लेकिन जितना भी काम हुआ है, जितनी भी आप लोगों ने प्रोग्रेस की है उतनी कम से कम करें, उसकी बेस पे एवेल्यूएशन करके हमें रिजल्ट जमा करना। अगर आप इसमें फेल हो जाएंगे तो आपको एक साल और इंतजार करना पड़ेगा इसमें एनरोल होने के लिए, यू नो दैट। जी सर, और yes. वो काफी आपके लिए एक परेशानी वाली बात हो जाएगी। सो आई रिकमेंड के सब काम छोड़ के इस चीज की तरफ फोकस करें सब लोग, और इसको फिनिशिंग टच दें, ठीक है। यस सर, सर आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हमारी रिपोर्ट फाइनल हो पर हम चाह रहे तो फिर भी आप ना हमें देख के बता दें कि जो उसके अंदर कंटेंट्स का सीक्वेंस है और यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, कोई हेडिंग्स वगैरह मिसिंग तो नहीं। देखें यूनिवर्सिटी का एक मैं टेम्पलेट मैंने शेयर किया था, आई गेस डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट टेम्पलेट है वो सभी के पास होगा। यस सर, किया था। तो इट्स बेटर कि आप उसको फॉलो करें। सबसे मेन बात जो और सबसे जो मेजर मिस्टेक जो नॉर्मली लोग करते हैं जी सर, वो ये है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत से लोग उन्होंने जिन्होंने जल्दी जल्दी में बनाई हुई है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अपनी, वो लोग ये करते हैं कि चैप्टर हेडिंग जो है, चैप्टर हेडिंग का भी फॉन्ट साइज वही है जो चैप्टर्स के अंदर की हेडिंग का है। सेकेंडली रेफरेंस एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है, उसको वो लोग सेपरेट चैप्टर के तौर पे ट्रीट नहीं करते। बेशक उसके नाम साथ चैप्टर नंबर नहीं लगता, लेकिन इट्स अ सेपरेट चैप्टर, वो और सेपरेट पेज से वो स्टार्ट होगा। थर्डली आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, आपकी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जल्दी में बनाई है उन्होंने हाइपरलिंक्स रिमूव नहीं किए हुए जहाँ से अभी कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सेकेंडली ये कि उन लोगों ने ये भी किया हुआ है कुछ लोगों ने कि चैप्टर के अंदर जो हेडिंग्स आती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं उनके और दूसरे टेक्स्ट का फॉन्ट साइज एक है, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। आप ये एक बड़ी कॉमन सी और आप कॉमन सेंस की बात है कि हेडिंग्स, हेडिंग का मतलब ये कि वो प्रोमिनेंट हो, और चैप्टर की मेन जो हेडिंग है चैप्टर वन इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो तो जरा बोल्ड और बड़ी साइज में होनी चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी विजिबल। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आप उसको, ये कोई फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। बाकी आप लोगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बड़ी सिंपल सी है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मटेरियल एंड मेथड्स है, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, और सबसे आखिर में रेफरेंस है। आपके इंट्रोडक्शन 4 से 5 पेजेस का नॉर्मली लोगों का है, इस तरह ही मटेरियल्स एंड मेथड्स जिसमें आपकी फ्लो चार्ट डायग्राम भी है और टूल्स की डिस्क्रिप्शन है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी 3 से 4 या 5 पेजेस का मैक्सिमम होगा मोस्टली स्टूडेंट्स का। ज़्यादा पेजेस जो कवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में, उनके स्क्रीनशॉट्स में।
स्क्रीनशॉट्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये, स्क्रीनशॉट आप लेते हैं तो वो एक फिगर है और फिगर के नीचे कैप्शन यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन और फिगर नंबर लाजमी होना चाहिए। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड के साथ आप किसी बुक को खोलते हैं उसके नीचे उसकी कैप्शन होती है, मतलब फिगर को डिस्क्राइब करने के फिगर क्या शो कर रही है, ठीक है, एक ब्रीफ सी कैप्शन उसमें लाजमी होनी चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग मद्देनजर नहीं रख रहे, और ये मैंने बारहा लिख लिख के, मैं अब तो थक गया हूँ, जो भी मुझे रिपोर्ट भेजते हैं मैं बारहा उनको यही बता रहा हूँ, तो यही गलतियाँ फॉर्मेटिंग की। बाकी अंदर जो आपने काम किया है वो एट द टाइम ऑफ वाइवा ही अब असेस हो सकेगा उसकी, कि वो मेथोडोलॉजी में आपने क्या लर्न किया और वो आपने मेथोडोलॉजी क्यों अडॉप्ट की, ये वाइवा के दौरान की जो है ना उसका आउटकम सामने आएगा, ठीक है। अब उसको करेक्ट, उसको उसको उसमें जो क्रिटिकल रिव्यू करना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बिगनिंग में पॉसिबल था और मैंने बिगनिंग में स्टूडेंट्स को गाइड भी किया कि ये करो और ये ना करो। सो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, वाइवा के टोटल मार्क्स कितने हैं? देखिए टोटल 120 मार्क्स के ये आपका सब्जेक्ट है, 120 यस सर, तो 120 में से एवैल्यूएशन होगी सर। स्पेसिफिक नहीं है वाइवा के? नहीं, इसमें ऐसे बेसिकली आपने अपने ये पूरा का पूरा ही वाइवा है, प्रैक्टिकल है ना, इसमें आपने कोई चीज पेपर पे हल करके तो देनी नहीं थी, ठीक है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एवेल्युएशन पिछले सालों में तो होता था कि उनकी प्रेजेंटेशन लिया करते थे और उसकी बेस पे सुपरवाइजर्स जो है ना वो नंबर लगाते थे, वो सुपरवाइजर पे डिपेंड करते हैं वो प्रेजेंटेशन भी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ठीक है। लेकिन मैं जो सबसे इसलिए आपको शॉर्ट से प्रेजेंटेशन दूंगा, और मैंने आपको बता दिया, मैं ब्रेक डाउन थोड़ा सा बता दिया किन किन फैक्टर्स को मैं कंसिडर करूंगा वाइल एवेल्युएटिंग योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उन चीज़ों को आप ज़हन में रखें कि पूरा एक वाइवा ही है बेसिकली, इसका वाइवा ही होता है। यस सर। सर एक बात और पूछनी थी आपसे कि अगर हमारी फिगर्स ज्यादा हो रही हैं तो उसका हम अपेंडिक्स बनाते हैं। हाँ ठीक है सर, उसकी सर उसका वो सेम फाइल में हम अपेंडिक्स डालते हैं, उसकी अलग फाइल होती है? उसके जो अपेंडिक्स होते हैं ना रेफरेंसेस के बाद अमूमन आता है या रेफरेंसेस पहले होता है, आई गेट रेफरेंसेस से पहले होता है, अपेंडिक्स एक सेपरेट चैप्टर होता है, ठीक है। यस सर, अपेंडिक्स एक अलग से चैप्टर होता है और उसमें ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा रिजल्ट्स हैं तो आप उसमें डाल दें और ये मेंशन कर दें कि अच्छा मेन टेक्स्ट में डिस्कशन में ये मेंशन कर दें कि इस चीज से रिलेटेड जो हमने बाकी रिजल्ट्स हैं वो अपेंडिक्स ए अपेंडिक्स बी वट एवर यू हैव उसमें हमने मेंशन किए हुए हैं उनकी डिस्कशन, लेकिन जो है आपने मेन में ही इंक्लूड करनी है, जो अपेंडिक्स में जो भी आप मटेरियल फिगर्स टेबल्स जो भी आप डालेंगे उसकी जो क्या कहते हैं डिस्कशन आपने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन वाले चैप्टर में ही मेंशन करनी है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, मैंने अब कुछ और स्टूडेंट्स को टाइम दिए हुए सर, सर इसके लिए हमें प्रेजेंटेशन भी बनानी पड़ेगी पीपीटी की फॉर्म में या सिंपल वाइवा? मैंने आपको बता दिया आप लोग आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं मुझसे शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको 10 मिनट्स दूंगा इन द बिगनिंग, आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर दो लोग हैं तो दोनों 5-5 मिनट लेना चाहते हैं दोनों 5-5 मिनट ले लें, लेकिन मैक्सिमम 10 मिनट्स होंगे, ठीक है, वो आपने ओके सर अपने अल्फाज में जो जो आपके प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स हैं वो उसमें बता दें। सर दूसरा, अभी आपने ना फॉर्मेट की बात की जो मेन फॉर्मेट है इसका, जी तो सर ये तो मेजर्स हो गए ना, इंट्रोडक्शन मटेरियल मेथोडोलॉजी रिजल्ट एंड डिस्कशन, इसके साथ जब हमने ना आपको ये साथ साथ इसकी ना ईमेल्स वगैरह के जरिए भी चेक करवाते रहे हैं तो आपने कुछ पॉइंट्स भी और भी बताई थी सब हेडिंग जैसे मोटिवेशन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह, तो वो इंट्रोडक्शन से पहले आएंगी?
ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वुमन आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट होते हैं, ठीक है, कि आप ये क्यों करना चाह रहे हो, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो ना चीज को, अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो आप इंट्रोड्यूस करवाओगे तो आप क्या बताओगे कि मेरा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव बताओगे आप अपने, तो वो ऑब्जेक्टिव समटाइम्स आप जो है ना एक या दो पॉइंट में या एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इट्स जस्ट काइंड ऑफ योर मोटिवेशन एज वेल कि आप वो क्यों कर रहे हैं और आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। मतलब इंट्रोडक्शन के हम बाद ऐड कर सकते हैं उसी चैप्टर के, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आखिर में ऐड कर लें, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होगा। लेकिन सर इसके साथ जो अगर हम फ्यूचर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स और इंपैक्ट ऑफ प्रपोज्ड स्टडी इस तरह की हेडिंग्स वगैरह ऐड करना चाहे तो उसके लिए बिल्कुल इसमें ऐड करें, और आई वुड सजेस्ट कि ये चीजें ये फ्यूचर एस्पेक्ट या फ्यूचर एप्लीकेशंस या फ्यूचर में आप इसको कहाँ पे सेंड करना हो सकता है ये, या आप इसको कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप इन सारी चीजों को भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इट्स बेटर कि इस चीज को हाईलाइट करें अपनी टेन्योर्स की प्रेजेंटेशन, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। गॉट इट? यस। चले मैं पीपीटी के अंदर मीटिंग अप आज की इधर ही ये खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने किसी और सर आपने भी बोला सर अभी आपने बोला कि ऑब्जेक्टिव्स और मोटिवेशन तकरीबन सेम हो गए, तो ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम मोटिवेशन अलग से ऐड करेंगे या ऑब्जेक्टिव ही कर सकते हैं? मतलब कर सकते हैं, मतलब लाजमी नहीं है। मेजर चीज मैंने जो सबको कही थी वो थी मोटिवेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स चूंकि इसका कोई कंपल्सरी पार्ट नहीं था इस लेवल पे, क्योंकि ये थीसिस नहीं है आपका, ये जस्ट प्रोजेक्ट था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतने करते हैं, अगर इंशाल्लाह फिर मुझसे आप लोग कांटेक्ट में रहिए, और मुझे ग्रुप वाइज आप जब भी आप कांटेक्ट करें अपनी प्रोजेक्ट तो दूसरे ग्रुप मेंबर्स को सीसी लाजमी किया करें, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे सेंड कर रहे हैं, और मेक श्योर के नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे ईमेल करें तो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनलाइज करके मुझे ईमेल करें, और कोई दिन मुझे बताएं 12th से ऑनवर्ड जिसमें आप लोग का वाइवा कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।